ये लड़की को देखिए, ये घर पे बैठ के लखीसराय में एप्लीकेशन पे मेरा क्लास करती है। अब इसका पढ़ाई आप देखेंगे, आप लोग को कर्क रेखा पे कितने राज्य याद है पता है ना? 1 मिनट रुकिए, तो इतनी छोटी है कि दिखेगी नहीं। नहीं, यहीं पे इस पे बैठेगी। नहीं। कोई कुर्सी दीजिए वो वाली। देखिए देखिए, उधर से लिए तो कुर्सी लाओ। हट तो जाना बहुत, थोड़ा सा इसको इस पे खड़ा कराओ अंकित को। सब लोग बैठ जाओ। पढ़ाई क्या होता है अभी हम तुमको दर्शाते दिखाते हैं। ये लड़की अंकित, ये अंकित है 7 साल का लड़का है, और ये शिवानी 5 साल की। बैठ तुम लोगों, बैठ जाइए बाबा। आप लोग को दिखाते हैं, देखिए ये मोबाइल रखना बाबू, ए बैल कहीं का मोबाइल रख दे। यहाँ देखो शिवानी, ये कर्क रेखा पता है कि नहीं? कर्क रेखा 18 देश से जाती है। अच्छा, कौन कौन देश बता दीजिएगा, माइक दे। हाँ, कर्क रेखा में कितने देश है बताइए, अठारह, सबका नाम बताइए। मेक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, माली, मॉरिटानी, नाइजर, लीबिया, चाद, मिस, सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ताइवान। अच्छा, हम पॉलिटी का क्लास करा रहे थे तो पढ़ी थी कि नहीं? हाँ, पूछे बता दीजिएगा, अनुच्छेद 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, एक सौ आर्टिकल 125, जज का वेतन, अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2, सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सुनादा का भारत में किसी दूसरे राज को मिला सकता। अच्छा, वो कौन सा ऐसा राज्य था जिसको संसद ने भारत में मिला लिया? सिक्किम, वो पहले भारत में तो नहीं था वो? नहीं नहीं था, वेरी गुड। चल, और कुछ बता दीजिएगा। पूरा एप्लीकेशन में इस पूरा इसके भाई, इसके भैया है नीतीश कुमार, वो एप्लीकेशन पे पढ़ते, मतलब एप्लीकेशन पे, ये साथ साथ पढ़ती थी। पूरा याद है कि नहीं याद है? सुना दोगी? वर्ल्ड सुना तो पूरा पूरा वर्ल्ड पढ़ाए थे, सुना दोगी? सुना दो तो, कौन कौन देश था उसमें? पूरा सार्क में कितना देश है आठ, बता दो। माली, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सुनिए एप्लीकेशन वाले सब लोग ध्यान से। तो अच्छा ये बताइए, पूरा दुनिया में जितना देश है बता दीजिएगा, बताइए तो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अंकित ये आई ना, तो क्या करिए कि हम तो आपको मोबाइल पे देखे थे, अभी देख लिए हम आपको। मोबाइल के अंदर कौन पढ़ाता था? हम पढ़ाते थे क्या? अच्छा, नाम क्या है मेरा? खान सर। एक छोटे से परिवार से, जो लड़के कहते हैं कि सर डाउट कैसे होता है, अरे चुल्लू भर पानी में जब डूब मरो, ये लड़की फर्स्ट टाइम क्लास है, एप्लीकेशन पे लाइव क्लास पढ़ी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, एप्लीकेशन पे पढ़ी लड़की मोबाइल में। सोचिए यहाँ पे आप लोग दिल से पढ़ाई कीजिए ना, यहाँ पे देखिए इस लड़की को देख के आप लोग को लगता है शर्म आती है कि नहीं? देखिए थोड़ा एजिटेशन हो रहा है, रुकिए बताते हैं। शिवानी, एक सवाल, बड़ी होके क्या करना है? यूपीएससी, करेक्ट। अब
अब अंकित से सवाल पूछते हैं। रुक जा, रुक जा, आराम से आराम। डरोगी नहीं ना शिवानी? नहीं डरना ही नहीं, तुमको तो यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छा तुमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? इसको हम एप्लीकेशन में आप लोग को जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना। अच्छा ये बताइए, सिंधु सभ्यता की खोज कौन किया था? धर्मसान ने। ये सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे तो ये आपको दिखाए थे महात्मा बुद्ध की मूर्ति, तो एप्लीकेशन में देख ली थी तो कॉल करके कह रही थी कि जब हम आएंगे तो बुद्ध भगवान की मूर्ति ले जाएंगे। ले जाओगी? और क्या ले जाओगी? डरो नहीं सब, तुम ये सब पटना में उतना मन से नहीं पड़ता है, डर रही हो? और क्या क्या चाहिए? और इसका लेते जाइएगा आप मूर्ति। अच्छा अच्छा शिवानी ज्योग्राफी पढ़ाए थे कि नहीं? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते? मंदाकिनी। अच्छा अभी इंडिया का नक्शा चालू हो गया है, यहाँ आज क्लास नहीं छूटेगा, आप यहाँ बैठ के दीदी लोग के साथ पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा ना, नहीं तो क्लास तो छूट जाएगा तब तक। चलो भाई अभी अंकित बाबा को देखिए। अच्छा हम आपको ज्योग्राफी का शुरू का क्लास तो किया था, टोपोग्राफी भी किया था। अच्छा बताइए तो नदियाँ जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम। उसके आगे क्या जाती है? झरना। उसके नीचे? अनुमान कुंड। और मैदानी भाग में जाती है तो? ऐसा करके घाटी। अच्छा और नदी में जब जाके नदी के मुहाने पे जो कचरा जमा कर देती है उसे? डेल्टा। और अगर दोनों किनारे पे पहाड़ खड़ा हो तो डेल्टा बनेगा? नहीं। क्या बनेगा? ज्वारनाद। अच्छा बड़े होके क्या करना है? यूपीएससी का एग्जाम निकालना है। और मुझे बता दीजिएगा आप? यस। हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य। दूसरा सबसे करीबी तारा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा का नाम? मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवयानी। अच्छा ये बताइए सबसे, हम वही तो पूछे सबसे नजदीकी तो सुपर क्लस्टर वगैरह में। चलिए अब बताइए बहू, उल्का पिंड से अगर पृथ्वी पे गिरती है तो झील बन जाता है कि नहीं बन जाता? हाँ। कोई झील बना है? हाँ। कौन सा? लोनार झील भारत में महाराष्ट्र। पूरा पढ़ लेते हैं ना? हाँ। चलिए अब आगे भी सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे मन से पढ़ेंगे? हाँ। चलिए ठीक है, एकदम बड़े होके आना है ना यहाँ पे, यूपीएससी निकालना है। हाँ। चलिए वेरी गुड। अशिवानी और कुछ बताओगी? रुको प्रस्ताव ना। हाँ बताओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए लॉकडाउन जो हुआ ना या कोरोना आया तो बहुत कुछ छीन भी लिया लेकिन बहुत कुछ समाज को दे के गया। हमारा एक सपना था ना जो भारत में कोने कोने तक शिक्षा पहुंच सके, आप लोग को इन्हें देख के लग रहा है कि वो सपना पूरा हो रहा है। और ये वादा है मेरा, हम कुछ मतलब हम इस भारत को जो विश्व गुरु का सपना था ना उसमें जितना योगदान देना चाहे हम जरूर देंगे और ये हमारे देश का भविष्य है। हाँ अंकित और क्वेश्चन पूछे बताओगे? YouTube पे भी क्लास देखते होगे? हाँ। ये बता दो कि भारत से कौन सा देश है से जो बहुत दुश्मनी करते हैं, बहुत खचरा देश है? पाकिस्तान, चीन। क्लास आज यही करना है, आज तो एप्लीकेशन पे होगा नहीं, मतलब अब तो आ ही गए, आप यहाँ क्लास कर लीजिए। ठीक है? ठीक है। और शिवानी, शिवानी से भी प्रस्तावना सुना है? शिवानी तुम भी सुना दोगी? हाँ बहुत बढ़िया। अब क्लास के बाद शॉपिंग करने चलेंगे लोग, ठीक है? अभी क्लास कर लेते। ये भैया
भैया लोग कह रहे हैं ना कि प्रस्तावना सुना दीजिए संविधान का, बताइए तो प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत का संपूर्ण प्रभु, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्र। अच्छा समुंदर वगैरह याद है कि नहीं? समुंदर चुकी सागर से पूरा, चुकी सागर, 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 बेरन सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड, बबिन की खाड़ी, हसन की खाड़ी, अमनसन की खाड़ी, बिबोर्ट का, डेविड संधि, लोडाडा, मेक्सिको खाड़ी। बस 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 बस। अंकित एक सवाल पूछे, बताइए सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दसनी चीन सागर। अच्छा टोटल महासागरों की संख्या मतलब होशियार लोगों के लिए? चार। बकलोल के लिए? पांच। हम आपको क्लास में भी पढ़ाते थे तो ये बोलते थे होशियार के लिए, बकलोल के लिए। अच्छा लड़की सबके लिए कैगो सागर? सात। अच्छा वो, अच्छा कैसे पता वो सात सागर का कौन से, कोई गाना था क्या? कौन सा? सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे। अब बताओ भाई, अब भी किसी को डाउट है कि पढ़ाई कैसे होता है? देख लिए। अब सोचिए ये लड़के आने वाले भविष्य में देश का कंपटीशन इतना भयानक होने वाला है, समझा गया कि नहीं आ गया? तो जितना आपका रिजल्ट लेट से होगा उतने खतरनाक आएगा, सही? सब 5G खोपड़ी वाला है कि नहीं शिवानी? डर रही हो शिवानी? नहीं डरना नहीं, अभी तुमको तो DM SP कलेक्टर बनना है, था डरोगी तो कैसे काम चले? दीदी लोग के पास जाके बैठ जाओ क्लास करने के लिए। अंकित आप भैया लोग के पास, तो तुम इतनी हल्की हो, तुम नाश्ता की कि नहीं? क्या खाई? ठीक। अच्छा कुछ शायरी याद करके आई हो क्या? अच्छा बोल दीजिए, बोल दीजिए। गुमनामी में, गुमनामी के अंधेरे में थी, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, गुरु की ऐसी कृपा हुई, गुरु ने कंजान बना दिया। अंकित अब आप क्लास कीजिएगा यहाँ, ठीक है? अब इनको उतारिए भाई, इन लोग को बैठाइए। यही यही बैठा देते हैं। हाँ हाँ वहीं बैठिए। हाँ इधर इधर यहाँ बैठ के पढ़ाई कर लो शिवानी। अरे पूछ तो जी अभी आ जाओ अंकित, अब हम भैया लोग को पढ़ा दें। हाँ